राजस्थान के चित्तौड़गढ़ स्थित एक विस्फोटक कंपनी में इलेक्ट्रॉनिक डिटोनेटर की उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए रिश्वत लेने के आरोप में सीबीआई ने नागपुर के पेसो के दो अधिकारियों को गिरफ्तार कर 2,15,00,000 का मुद्देमाल जब्त किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सीबीआई को एक अधिकारी के घर से 90,00,000 रुपए मिले हैं। साथ ही साथ प्रियदर्शन देशपांडे के निजी संपर्क से उनके घर से 1.25 करोड़ रुपए जब्त किए गए हैं। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान लक्ष्मीनगर नागपुर के प्रियदर्शन दिनकर देशपांडे और मेमर सुपर शिवशक्ति केमिकल के निदेशक देवी सिंह कछवाह के रूप में की गई है। देवी सिंह चित्तौड़गढ़ राजस्थान निवासी है। रिश्वत की 10,00,000 रुपए की रकम भी जब्त कर ली गई है। सीबीआई ने बुधवार को सेमिनरी हिल्स में पेसो कार्यालय के पास एक टाइपिंग की दुकान पर जाल बिछाया था। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट।